सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और देख सकते हो कि मैं अभी आ चुका हूँ बीसीसीआई के ऑफिशियल साइट पे। और ऑफिशियल साइट पे जैसे आओगे तो यहाँ पे एक डाउनलोड का सेशन आपको मिलता है, ठीक है। तो डाउनलोड वाले सेशन में जैसे आप जाओगे तो यहाँ पे देखिए बीसीसीआई का जो रैंक कार्ड है ना वो आपको जारी किया गया, वो चीज़ का ऑप्शन है यहाँ पर, वो दिखा रहा है, ठीक ना। लेकिन बीसीसीआई का जो सीट मैट्रिक्स अभी आने वाला था वो बिल्कुल नहीं आया है। चूँकि सीट मैट्रिक्स नहीं आने के पीछे कारण ये है कि अभी आईटीआई का काउंसलिंग चल रहा है और उसका काउंसलिंग जो रखा गया था वो डेट से थोड़ा उसको और आगे की तरफ शिफ्ट किया गया, मतलब उसका डेट जो है कि एक्सटेंड कर दिएगा। तो जिस वजह से ये कहीं ना कहीं आपका थोड़ा सा टाइम लग जाएगा सीट मैट्रिक वगैरह आने में। बट हाँ, यहाँ पर आपको मैं एक चीज़ बताने वाला हूँ इस वीडियो में कि सीट मैट्रिक जो आएगा उसके पहले अगर आपको जानने की क्यूरियसिटी है कि मतलब कितना सीट और ऐड होगा बीसीसीआई के सीट मैट्रिक्स में, ठीक ना, सीट मैट्रिक में कितना सीट और ज़्यादा ऐड होगा और कितना सीट अभी खाली है, तो इसको हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो उसके लिए मैंने एक पीडीएफ डाउनलोड किया है, चलिए उसको मैं दिखाता हूँ। और उसमें मैं बताऊँगा कि आपको कितना सीट अभी तक वैकेंट है और कितना सीट ऐड होता है और किस तरीके से ऐड होता है सीट। और जैसे कि आप लोग बोलते थे ना कि 900 और 1000 के बीच में सीट है तो वो कैसे बढ़ जाता है, वो मैं एक्चुअली इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। बताऊँगा कि कैसे सीट एक्चुअल में बढ़ता है और आपको लाइव यहाँ पर प्रूफ भी दिखाऊंगा। तो चलिए वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं। सीट मैट्रिक्स जो नया वाला बनता है, जो कि बीसीसीआई वाला नया वाला सीट मैट्रिक्स बनेगा, वो किस तरीके से बनेगा, उसमें कौन से सीटें ऐड की जाएंगी और कौन से सीटों को ऐड नहीं की जाती, उसको थोड़ा सा एक बार रिव्यू करते हैं, देन उसके बाद मैं आपको प्रूफ बताऊंगा। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, आपको सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। तो पहले बात करते हैं कि एक जो सीट मैट्रिक्स आपको दिया गया था उसमें 900 मतलब मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन 900 और 1000 के बीच में आपका जो है कि सीट रखा गया था, ठीक ना, सभी ब्रांचेस को मिला करके। तो अप्रोक्सीमेट मान लेते हैं यहाँ पर कि 1000 भी सीट होंगे, तो ये 1000 तो सीट आपका ऑलरेडी रहेगा ही रहेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब इस 1000 सीट के साथ साथ इसमें और भी सीटें ऐड होती है, वो किस तरीके से ऐड होती है इसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। तो देखो गाइस, सबसे पहला जो सीट आपका ऐड होती है ना, पिछला बार जो बीसीसीआई का काउंसलिंग हुआ होगा तो उस काउंसलिंग के में आपको देखा होगा कि उस काउंसलिंग में भी कुछ सीटें बच जाती है। जैसे कि आपको पता होगा कि सबसे लास्ट में जो काउंसलिंग होता है वो मॉपअप काउंसलिंग होता है, तो मॉपअप काउंसलिंग कराने के उपरांत मतलब उसके कराने के बाद भी कुछ सीटें बच जाती है। आपको बिलीव नहीं होगा, मैं प्रूफ दिखाऊंगा कि आप सोचोगे कि मॉपअप होने के बाद भी कैसे सीट बच जाएंगे और वो भी मतलब कि कैसे सीट बचते होंगे। तो देखिए, बिल्कुल सीट बच जाता है। जैसे मान लीजिए किसी को सीएस लेना था, उसका रैंक आया या ज़्यादा, उसको सीएस मिला नहीं, तो वो क्या करेगा, उसके जगह पर तो वो सीट खाली होगा ना भाई, जेन्युइन बात है। अगर मान लीजिए किसी को सिविल लेना था, सिविल उसको मिला नहीं, तो क्या करेगा, सिविल तो छोड़ देगा ना, तो अदर ब्रांच तो नहीं लिया। तो वो ऐसे वैसे सीट ना हर एक कॉलेज में 2, 4, 5, 7 करके बच जाते हैं मॉपअप काउंसलिंग कराने के बाद भी। तो मॉपअप काउंसलिंग कराने के बाद से जो सीट बचते हैं वो आपका सीट कितने बचते हैं वो सीट, और साथ ही साथ जो कि यूजीसी के थ्रू आपका जो कि जैसे आपको पता हुआ कि जेई मेन के थ्रू, ठीक ना, जेई मेन जो एग्ज़ाम होता है उसके थ्रू जो आपका बीटेक 4 साल का कोर्स होता है उसके थ्रू भी काउंसलिंग होता है, उसके थ्रू भी आपका सीट कुछ वैकेंट रह जाता है जो कि फर्स्ट सेमेस्टर में वैकेंट हो चुका होगा। तो फर्स्ट सेमेस्टर में सीट वैकेंट होगा तो वो सेकंड सेमेस्टर में चल रहा गया होगा, वैकेंट ही मतलब खाली सीट चला गया होगा, फिर वो थर्ड सेमेस्टर में भी खाली जा रहा होगा। तो थर्ड सेमेस्टर में हम लोग के एली के थ्रू जो एग्ज़ाम होता है उसमें ला करके इसमें ऐड करके इसको यहाँ का वैकेंसी जो आपका वैकेंट सीट रह गया था उसको यहाँ पर फुलफिल कर लिया जाता है। तो एक तरीके से यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ कि दो तरीके से यहाँ पर बीसीसीआई का जो सीट मैट्रिक बनता है उसमें दो तरीके का सीट ऐड किया था जो कि वैकेंट होता है। पहले मैंने बताया कि जो मॉपअप काउंसलिंग होता है उसके थ्रू जो सीट बजाते हैं वो, और दूसरा मैंने बताया यूजीसी के थ्रू जो काउंसलिंग होता है उसके थ्रू जो सीट बजाता है वो सीट, इन दोनों सीटों को ऐड करके न्यू सीट मैट्रिक्स एक निकाला जाता है। वो सीट मैट्रिक्स अभी तक आया नहीं है, मैंने शुरू में दिखा दिया था। अब हम बात करते हैं कि मॉपअप काउंसलिंग हुआ था बीसीसीआई का जब पिछला बार, तो उस टाइम पे कितने सीट वैकेंट रह गए थे उसका प्रूफ आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक ना। तो यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो आपका वैकेंसी जो यहाँ पे रिपोर्ट किया गया, ये आप देख सकते हो कि वैकेंसी रिपोर्ट आफ्टर द काउंसलिंग हेल्ड 6/2/2022, ठीक है। तो 6/2/2022 यानी कि फरवरी 2022 में जो कि मॉपअप काउंसलिंग हुआ था बीसीसीआई का 2021 बैच वाला, उसमें जो मतलब मॉपअप होने के बाद भी जो सीट वैकेंट रह गए थे उस सीट का यहाँ पे पूरा डिटेल्स को शो किया गया है। देख सकते हैं यहाँ पे वैकेंट सीट आपको लिखा हुआ है, ठीक ना। तो किस कॉलेज में कितना सीट बच गया था, ईवार से कितना बचा था, एससी कैटेगरी से कितना बचा था, एसटी कैटेगरी से कितना बचा था, ईडब्ल्यूएस से कितना बचा था, आपका आरसीजी से कितना सीट बचा था, इन सभी को यहाँ पे वन बाई वन करके मैं समझाऊंगा। और साथ ही साथ मैं बताऊंगा कि किस ब्रांच में किस कॉलेज में कितना सीट बच गए थे। तो देख सकते हो यहाँ पे कि सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगा भागलपुर का, ठीक ना। यहाँ पे देख सकते हो कि एमसी भागलपुर लिखा हुआ है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में ई वार से एक भी सीट नहीं बचा था, एससी कैटेगरी से भी सीट नहीं बचा, एसटी से भी नहीं बचा, लेकिन ईडब्ल्यूसी से आपको एक सीट बच गया था, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल एक सीट अभी खाली है, वो भी कब, मॉपअप काउंसलिंग होने के बाद भी एक सीट यहाँ पे खाली है, ध्यान रख सकते हो यहाँ पे। इसी तरीके से वन बाई वन करके आप देखोगे तो सारे कॉलेज के यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं सभी कॉलेज को बताऊंगा तो बहुत
ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा। देख सकते हो यहाँ पे गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज थे चंपारण का, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल में यहाँ पे देख सकते हो कि 6 सीट एसी कैटेगरी से बच गया यहाँ पे, ठीक ना। तो यहाँ पे देख सकते हो 6 सीट अभी तक वैकेंट है, यहाँ पे वैकेंट सीट को ये बारे में डिस्कस किया गया। तो इस तरीके से देखोगे ना इस PDF के थ्रू, तो सारा चीज़ों आपका दे रखा है, ठीक है। मैं 1 by 1 समझाऊंगा तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तो मैं चाहूँगा कि इसको मैं अपने टेलीग्राम पर पोस्ट कर दूंगा, आप जाकर के टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, टेलीग्राम पर ये सारा चीज़ आपको दिख जाएगा, वहाँ से आप जाकर के देख सकते हो पर्टिकुलर किस कॉलेज में कौन सा ब्रांच के लिए और किस कैटेगरी में कितना सीट अभी तक खाली है, जो कि मॉपअप काउंसलिंग होने के बाद भी खाली रह गया था। ये 2021 बैच वालों के लिए है, लेकिन काउंसलिंग इसका 2022 में हुआ था, 6/2/2022 को हुआ था, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग बात करें कि टोटल जो कितना सीट बच गया था, तो नीचे में आपको देख सकते हो कि यहाँ पर टोटल जो सीट बच गया था वो 1588 सीट के अराउंड आपका टोटल जो कि सीट अभी अवेलेबल है। तो देखिए जो मैं बोल रहा था ना अभी 1000 भी सीट होगा उधर, तो 1000 सीट और प्लस ये 1588 आपका और ऐड होगा, साथ ही साथ UGC के थ्रू जो काउंसिलिंग हुआ होगा उसका भी कुछ ना कुछ सीट बचा होगा। तो उसके पास अभी मेरा कोई प्रूफ नहीं है, वो जैसे सीट मेडिक्स आएगा तो मैं आपको क्लियर करूँगा। तो देखिए उसके थ्रू भी अगर कुछ भी सीट बचा होगा तो वो भी सीट यहाँ पर ऐड होगा, तो ये दोनों सीट ऐड होकर के न्यू सीट मेडिक्स बनता है, जो कि अभी तक आया नहीं है, मैंने शुरू में दिखा दिया। तो इस तरीके से देख सकते हो कि सीट कहीं ना कहीं आपको लग रहा होगा कि इंक्रीज होने वाला रहेगा, और बेशक इंक्रीज होता है। अगर हम लोग बात करें ब्रांच वाइज किस ब्रांच में कितना सीट अवेलेबल था, तो देख सकते हो यहाँ पे कि प्रत्येक ब्रांच वाले के लिए भी यहाँ पे इसमें देख सकते हो आप अच्छा तरीका से। तो इसको मैं अपने टेलीग्राम पे पोस्ट कर दूंगा, जाकर के वहाँ पे देख लेना फटाफट से। तो जो आप पूछ रहे थे ना बार बार कि कितना सीट बढ़ेगा, कैसे बढ़ेगा और कौन कौन से सीट इसमें ऐड होते हैं न्यू सीट मेडिक्स में, तो वो आई होप कि आपका डाउट क्लियर हो चुका होगा। तो मैंने पूरा कंप्लीट में बताया था, बट अभी मेरे पास भी बहुत कम टाइम है। एक्चुअली मैं वीडियो जो बना रहा हूँ वो मतलब कि बहुत जल्दबाजी में ही बना रहा हूँ वीडियो, मेरा और भी मुझे काम है। तो देख सकते हो यहाँ पे पूरा मैंने चीज़ें यहाँ पे डिटेल्स में बता दिए है, आई होप कि आपको अब डाउट वगैरह क्लियर हो गया होगा कितना सीट ऐड होगा। तो देखिए न्यू जो सीट मेडिक्स आएगा उसमें मैं आपको आई गेस कर सकता हूँ कि देखिए 1000 के अराउंड तो उधर आपका सीट था ही था, और इधर 1588 के अबाउट आपका सीट खाली होगा, 1500 भी मानते हैं तो 2500 सीट तो आपका ऐसे ही बन जाता है, ठीक है। और UGC के थ्रू भी कुछ सीटें ऐड होगी, मान लेते हैं उसमें भी 1000 सीटें ऐड होगी, तो आपका अराउंड जो है कि 3500 के अराउंड आपका सीट चला जाता है, ठीक ना। ये हो सकता है बढ़ जाए, बट इससे घट नहीं सकता है, मेरे को जहाँ तक लगता है इससे घट नहीं सकता, इससे ज़्यादा सीट आ सकती है बट इससे कम नहीं आता है। तो आप देख सकते हो कि ये प्रॉक्स जो सीट मेडिक्स नया आएगा उसमें कितना सीट देखने को मिलेगा, तो आप यहाँ से गेस कर सकते हो। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा, वीडियो थोड़ा सा ही पसंद आएगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद दोस्तों।